चलते 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 क्या करें, जाना तो एक दिन सभी को है। कभी कुछ संदेश देना थोड़े नहीं, मतलब वो भी कर दिए पर उनका पता नहीं है कि क्या हो। तो एक भाई हो रहा चुके कुछ कुछ, तो बाइक पे जल्दी चले जा रहे ना। क्या नाम है आपका? सहदेव सिंह रावत। अच्छा, कहाँ से हुआ? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी से? हाँ जी। अच्छा, गांव से है क्यों पेपर देने के लिए? हाँ जी। कैसा रहा पेपर? ठीक रहा, बढ़िया रहा। फिजिकल में मिलेंगे जल्दी। अच्छा, जल्दी मिलोगे। कितने क्वेश्चन करे आपने? कितने क्वेश्चन? 45। 45? पाँच छोड़ दिए क्यों? पाँच क्यों छोड़ दिए? डाउट था ना, डाउट था उनमें। अच्छा अच्छा, उम्मीद है कुछ? उम्मीद है, जो पढ़ा था वो क्वेश्चन आए। हाँ हाँ, वही क्यों से लगाए? उससे रिलेटेड थे। यूट्यूब से पढ़ाई करी है वैसे ही? नहीं, कोचिंग। वैसे ही कोचिंग? कोचिंग तो कोचिंग करी आपने। चलो, और कब तक उम्मीद है कि मतलब रिजल्ट आ जाएगा? रिजल्ट आएगा तभी दिखेगा। अच्छा, नाम आएगा है? हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक भाई हो रहे हैं, भाई से मैं नाम पूछ रहा हूँ। क्या नाम है भाई आपका? दुर्गेश चौहान। दुर्गेश चौहान, कहाँ से हो आप? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से? गांव से आए हो, यहीं रहते हो? नहीं, गांव से आए। गांव से? अच्छा, यहाँ रहे होगे कल? हाँ। अच्छा अच्छा, पेपर कैसे गया आपका? ठीक ही गया। ठीक ही गया मतलब कि परफेक्ट ठीक गया? जैसा आ रहा था वैसा गया। अच्छा अच्छा, कितने क्वेश्चन करे आपने? 45। पाँच क्यों छोड़ दिए? नहीं आ रहे थे तो फालतू क्वेश्चन क्या करने थे। अच्छा अच्छा, उम्मीद है कुछ? देखते हैं। रिजल्ट कब आएगा? पता नहीं, अभी पता नहीं है। नहीं, ऑनलाइन आएगा अभी? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। कुछ भाई इधर, भाई पेपर दे क्या रहे हो? क्या नाम है आपका? अरे भाई सरवार, भाई सरवार है ना, उत्तराखंड के लोग सरवाते बहुत है यार। कुछ कुछ भाई है जो यहाँ रहते हैं, उन्हें सरवाते हैं, पूछ रहे हैं। भाई पेपर दे क्या रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप, कहाँ? पौड़ी से हो? नहीं, मैं यहीं से हूँ, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी? हाँ। तो गांव से आए हो? नहीं, गांव से नहीं, यहीं रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहते हो। कैसे गया पेपर? पेपर ठीक गया, अच्छा था। थोड़ा मैथ का 2-3 क्वेश्चन अलग आए थे, सिलेबस बाहर थे, बाकी सब ठीक था। अच्छा, कितने क्वेश्चन करे? मैंने करे 43। 43? सात छोड़ दिए? पेपर टफ भी था, कुछ क्वेश्चन टफ थे। अच्छा, जो जो आपने पढ़ा था उसमें से कुछ आए? हाँ, जीके जेस पूरी आई थी और बाकी साइंस भी पूरी आई थी। साइंस का बायो का थोड़ा 3-4 क्वेश्चन अलग थे। अच्छा, उम्मीद कितनी है? उम्मीद तो पता नहीं, अभी पता लगेगा कितने लड़कों ने करे उस हिसाब से। अच्छा, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट पिछले साल तो 1 महीने में आ गया था। पिछले साल मैंने दिया था ना। अच्छा अच्छा, 1 महीने में आ गया था, इस बार भी उतना आ जाएगा। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हो आप? सैंसपुर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, भाई के भी कुछ पेपर था? भाई है? क्या नाम है भाई आपका? पृथ्वी पांडे। पांडे, कहाँ से हो आप? हम कहरी गाँव से, बगल से। अच्छा, बगल से हो। कैसे गया पेपर? पेपर अच्छा गया। कितने क्वेश्चन करे आपने? मैं क्या हूँ, 42। 42? 8 क्वेश्चन छोड़ दिए? हाँ, क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिए, जो बायो सेशन था थोड़ा हार्ड था, और 12th का लेवल भी अच्छे से कवर कर रहा था, और मैथ भी हार्ड था, उतना हार्ड नहीं था तो भी ठीक था, और एक क्वेश्चन जो था वो 12th की मैथ आई थी। टेक्निकल पेपर था ना, उसमें सात इंटीग्रेशन आया था। 12th के आए थे, 12th की मैथ किसी ने नहीं करी। अच्छा, तो हमको पढ़ाते हैं ना सर, किसी ने। ये भर्ती कितने लोगों की थी वैसे यहाँ? ये थी एन ए की, नर्सिंग असिस्टेंट की। लगभग 1000 स्टूडेंट ने यहाँ पेपर दिया। एक शिफ्ट में दे रहे हैं, 3 शिफ्ट होगा तो 3000। 1000 थोड़ा नहीं होगा, कितनी भर्ती थे? 100 की भर्ती थी, 500 की थी। यहाँ पेपर देने से काफी आते हैं ना? बोल रहा हूँ ना, पिछले साल मैंने दिया था, इसमें थी पिछले साल 6 वैकेंसी, मैं लास्ट मेरिट में पिछले साल बाहर हुआ। अच्छा, इसी का नर्सिंग में ना, तो इस हिसाब से देख लो, पिछले साल 150 लेते थे रनिंग के लिए, फिर हम मेडिकल में पास होके गढ़वाल में, मतलब गढ़वाल मिला के कुमाऊं मिला के हम 40 लड़के थे बचे। अच्छा, तो इस बार निकल जाओगे, शुभकामनाएं। इस बार देख लो, आने की कृपा होगी तो आप निकल ही जाओगे दूसरी बार, है ना? तो आपने, आपका पेपर अच्छा था? हाँ हाँ, अच्छा। उस बार भी मेरा हो गया था, एग्जाम हो गया था, वही रनिंग में हमारा साथ में था, मेरे साथ। अच्छा, दोनों साथ में थे, एग्जाम ही बगल पास ही पास थे। अच्छा, जो पढ़ा वो आया? हाँ, NCERT कवर है, NCERT से ही मैक्सिमम आ रहा है, क्वेश्चन थोड़े मॉडिफाइड आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, नहीं बाकी सब अच्छा। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है, ओके। और हमारे साथ जो अंकुश रावत जी, आयुष भाई का नाम क्या है? आयुष। सर मास्क नीचे उतार दे, तो आयुष और अंकुश रावत जी को पूछ लेते हैं। भाई पेपर कैसे गया? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कितने क्वेश्चन करे? 40 सही सही किए, 10 में छोड़ दिया। नहीं, अच्छा, तो जो पढ़ा था वो आया? वो आया। पक्का? पक्का, उम्मीद है ना? हाँ, उम्मीद है। अब भाई तेरे को? मेरे भी उम्मीद है, हो जाएगा। हो जाएगा, कितने क्वेश्चन करे? मैं सारे किए। सारे किए, फेल दिया सब है। चलो, कब आएगा रिजल्ट? पता नहीं, रिजल्ट आप ईमेल करेंगे? अच्छा अच्छा, ईमेल करेंगे। चलो, जिनके साथ हम आ रखे ना तो वो भी आगे आगे करे, पेपर बढ़िया गया है,
तो अब हमारी भी तैयारी है, कुछ बच्चे और आ रहे हैं उनसे पूछ लेते, पैदल आ रहे हैं कुछ, है ना, चले एक बार पूछ लेते बच्चों का पेपर कैसे गया। कुछ बच्चे इधर भी आ रहे हैं, पेपर दे रहे क्या भाई, इसने सारे कर दिए, सारे कर दिए और भाग रहे हो, नहीं दिखा रहे, चलो और आ रहे हैं और को पूछ लेते हैं। तो दोस्तों दो भाई हो रहे हैं, भैया क्या नाम है आपका? कमलेश प्रसाद। अच्छा पेपर दे के आ रहे हो? हाँ जी। कैसे गया पेपर? ठीक था। कितने क्वेश्चन करे? 42। 42 आठ छोड़ दिए, क्यों? थोड़ा टफ थे, क्लियर नहीं था मतलब। जो पढ़ा था उसमें से आया कुछ? नहीं मेरे तो नहीं आया, मेरे जीके में आया था कुछ, बाकी तो बायोलॉजी केमिस्ट्री में नहीं आया था। ज्यादा जीके वाले बोल रहे हैं कि जो पढ़ा था वो वही आया? हाँ जीके में सही था, नॉर्मल था। हाँ बाकी वैसे था? हाँ बायोलॉजी थोड़ी टफ थी, केमिस्ट्री भी नॉर्मली थी, ज्यादा टफ नहीं था। पर पहली बार दे रहे हो आप? नहीं सेकंड टाइम है मेरा। सेकंड टाइम? पहली बार किस चीज़ का दिया था आपने? मैंने अग्निवीर का। उसमें नहीं आया? नहीं आया नंबर? नहीं। चलो माता रानी कृपा करेगी दोबारा आ जाएगा। भैया आपका नाम क्या है? राकेश सिंह। राकेश सिंह आगे नेगी बिस्ट। बिस्ट कहाँ से हो आप? हम चमोली से। चमोली से? चमोली से आ रखे हो आप जी? अच्छा यहाँ किसी के यहाँ होंगे रात को? नहीं नहीं यहीं से कॉलेज करते हैं, बीएससी करते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पढ़ा था वो क्वेश्चन आए? आए थे जीके से आए थे, बाकी केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत। अच्छा कितने क्वेश्चन करे आपने? वो गिने तो नहीं मैंने। गिने नहीं है? गिने तो यार क्या बात है, आपने गिने नहीं है, सब ने बोलते कि हमने इतने इतने करे, आपने गिने क्यों नहीं है? मैंने गिने नहीं है ऐसे ही, मतलब जो आ रहे थे वो टिक किए हैं। अच्छा जो पढ़ा था उसमें से आया? हाँ उसमें से तो आई जी के से आया था। अच्छा चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप जल्दी पास हो जाओगे। चलो तो दोस्तों अधिकतर बच्चे बहुत शर्मा रहे हैं, एक भाई और मिल गया हमें। भाई क्या नाम है आपका? हिमांशु राणा। हिमांशु राणा कहाँ से हो आप? मैं चमोली गोचर से। चमोली गोचर से? हाँ। तो गांव से आए यहीं रहते हो? मैं मतलब रायपुर ही रहता हूँ ज्यादातर। अच्छा यहीं रहते हो? हाँ जी। पेपर कैसे गया आपका? पेपर ठीक है, अब रिजल्ट बताएगा कैसा गया है। पहली बार दे रहे हो? नहीं इससे पहले दे चुका हूँ। पहले किस चीज़ में था? पहले जी टी का भरता था, इस बार टेक्निकल का भरा, तो अब देखते हैं क्या होता है। कितने क्वेश्चन करे आपने? मैंने लगभग 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें तो कन्फर्म मेरे को है 40 से ऊपर रहे। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अच्छा। उम्मीद है? होते उम्मीद तो हर किसी को होती है। हाँ ये तो है ना, उम्मीद लेके हर कोई चलता है। उम्मीद कायम रख लिया। अब ये बताओ जो क्वेश्चन आपने पढ़े थे उसमें से कुछ आया? आए लगभग, मतलब ये था कि जो हमने पढ़े थे उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आए थे जो मतलब सिलेबस से थे, कुछ कुछ ऐसा लगा कि नए नए क्वेश्चन दिखने को मिले। हमारे YouTube फैमिली को कुछ कहना चाहते हो? बस यही कि भाई को सपोर्ट करो, भैया ऐसे आगे बनाते रहेंगे। धन्यवाद। उतर चुके हैं कलेंटॉम में, अरब जा रहे हैं भाई के यहाँ अरब। हम इसके बाद फिर हमने कहीं और जाना, आज बहुत लेट हो गई है, 2 बज गए हैं यहीं पर। और अभी हम बस यहाँ से ऑटो से उतर चुके हैं, अरब भाजी का घर थोड़ी सी दूरी पे है। अब आ चुके कमल भाजी के घर, ये दिख रहा होगा आपका ये, और ये आ चुके अंदर को। दोस्तों रात के बच चुके हैं 10:15 और हमारी भी अभी ऐसा तैयारी है जाने की, क्योंकि 13 दिन में ना गाड़ी मोटर मिलना मुश्किल हो जाते बस अड्डे तक। तो हमें छोड़ने आएंगे भाजी। अब देखे ये हल्दी पिठाई लेके आ रहे हैं, देखो हमारे उत्तराखंड में ना जब मेहमान जाते तो उनमें हल्दी पिठाई जरूर लगाते हैं, ये शुभ होता है। ये उत्तराखंड का मैंने कई बार दिखाया आप लोगों को, ये शुभ होता है हल्दी पिठाई। जय हो जय हो। देखो तो ये लग रही है हल्दी पिठाई, अरे बहुत अच्छा लगता है गाँव में, है ना। तो आज जी फिर मुलाकात होगी आपसे, है ना। कुछ कहना चाहते हैं हमारे YouTube फैमिली को आप जाते समय? और देखो स्वामी जी भाभी, देखो भाई साहब भाभी पे भी लगा रहे थे, देखो ये है, मैंने तो कैमरा पकड़ रखा था ना, मैं उल्टे हाथ लगा नहीं सकता था ना इसीलिए। हाँ भाभी कुछ कहना चाहते हैं हमारे YouTube फैमिली को जाते जाते, कुछ संदेश देना चाहते हैं? अच्छा सुन, हमारा उत्तराखंड के लोग ना जो बाहर प्रदेशों में शहरों में प्लान हो गए, हम लोग जो प्लान हो गए, कुछ संदेश देना चाहते हो अपने उत्तराखंडी को कि अपना घर बार भी देखिए, अपना घर बार भी थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने देवी देवताओं को भी जरा ध्यान दीजिए। अच्छा ये भाभी कह रहे हो, भाई को पूछ लेते हैं। हाँ अंकित भाई को, अंकित बिष्ट जी को पूछते हैं। अंकित भाई कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे उत्तराखंड भाई बंधु को? कुछ संदेश हम लोग भी ये नहीं दे सकते ना कि प्लान मत करो, नहीं तो आप लोग तो जाते रहते हो ना, साल में 2-3 बार चले जाते हो। घर विजिट करना जरूरी है। हाँ विजिट करना जरूरी है, साल में कम से कम 2 बार जी होने चाहिए। और आपके पापा को तो बहुत अच्छा लगता है, पापा तो गांव में फिर भाग रहे हैं कल को, है ना, वही तो है ना।
हमारे YouTube फैमिली को और कुछ चाचा जी के चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दबा के लाइक करें। देखो फिर हमसे भी लंबा हो गया बहुत ज़्यादा। हर नाम साहिल कुछ कहना चाहता है? यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर विजिट करते रहे, मतलब अपने दादा दादी को, अपने दोस्तों परिवार को देखना चाहिए, जरूरी होता है। जी जी, बाकी तुमने पहाड़ तो है। भाभी बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हो? कि बच्चे अब जवान हो गए, कुछ कमेंट बॉक्स में लिखे कि आगे भाई के लिए कोई लड़की है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, देख शर्मा रहा है ना, ढूंढ के मैं दर्द में ढूंढ के। अच्छा हाँ, तो उस्ताद है आजकल के तो सब, है ना? अरे पापा से भी जान लेते हैं। भाजी आपको कैसे लग रहा आज हम जा रहे हैं यहाँ से तो कभी वहाँ से? आना जाना तो दुनिया का दस्तूर है, उसको निभाना जरूरी है, तो निभाना चाहिए। मतलब निभाना, ये बहुत पुराने कलाकार है हमारे। कलाकार तो है नहीं, लेकिन क्या करें, समय कलाकार बना देता है जी। समय इतना बलवान है। आजकल ना ये साली पर बहुत गीत गा रहे थे, ये बहुत गीत गा रहे हैं साली पे आजकल, खूब गीत गा रहे भाई साहब साली, कल भी साली पे भाई साहब। नहीं वो तो आपका गाने का डबिंग किया मैंने, रिमिक्स, आपका रिमिक्स चल रहा है, पर तो आपने साली पे ही क्यों गाया? चलो आपके भाभी पे गाते, आपके YouTube चैनल के माध्यम से हम सब तई सेव समझी, और हम नहीं बोल रहा कि चल भाई यहाँ पर गौर जाए, गौर बार बैर भी बस इंसान, कम से कम यहाँ पर गाँव आने जान रोड चाहिए, यहाँ पर गाँव वाल तक पक्का मिलन जुलन कर नए पीढ़ी थे, ताकि कई एक बस में भी सफर करने चाहते, कम से कम वो पता चल कि मेरा गाँव है, तो उससे उस चीज़ को बिछड़ने के लिए गाँव में आने जान चाहो, ताकि अपनापन भी बने रहे और एक दूसरे का ऊपर गाँव मतलब पहचान सके, पहचान भी सके। सही, तो आपके YouTube के चैनल माध्यम से चलो संदेश सब तक पहुँचाओ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तो फिर भी बच्चा ठीक जिनके आप बच्चा तो घर भी सब चीज़ों को बात करना, नहीं तो आज अगला पीढ़ी ने तो बैठने से बात नहीं करना, सरमान छीन। बच्चे तो देखो गढ़वाल जो भी सुन, तो चलो हमारे बच्चे हैं उनके बच्चे हों, तो सब बच्चे अपने बच्चे हैं, मेन चक्कर है कि आप जैसे लोगों की YouTube चैनल के माध्यम से उनको कोई अच्छी शिक्षा मिल जाए जी, उसका वो अनुकरण करे, वो बहुत बड़ी बात है जी जी जी, तो वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात वो निभाए उस चीज को, तो वो चलो एक साली पर एक गीत सुना दो, एक लाइन जो गुनगुना रहते। तो साली पे तो गीत मुझे आता नहीं है, लेकिन आप वाला गाना मैं थोड़ा सा मेरा वाला छोड़ो ना, ठीक है मैं मेरा तो जब रिलीज हो गया वो बात की बात है, हल्का सा फिल्मी सॉन्ग गाता हूँ मैं, फिल्मी नहीं साली पे गाना है, फिल्मी छोड़ो। हाँ मैं गाता हूँ, तो मुझे जो मुझे याद है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोके हंसके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब निकलते हैं, हमारी भाभी ने भाई साहब को इशारा कर दिया, बस बहुत बहुत साली पर गाने नहीं गाए ने दिया उन्होंने, है ना? तो ठीक है मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी दोस्तों, बने रहना वीडियो में। आप जा रहे हैं हम देहरादून से सीधे दिल्ली की ओर, प्रसन्न है, रात के बज चुके हैं, 10 बजने में 5 मिनट रह गए हैं, और अब हमें ऑटो का इंतजार भी करना, नहीं मिलेगा तो भाजी में छोड़ के आएंगे, क्योंकि दिल्ली शहरों में तो एनी टाइम रात भर भी लगे रहते हैं, पर यहाँ जल्दी सो भी जाते हैं लोग, और जल्दी अपने फिर उठ भी जाते हैं सुबह, तो बने रहना दोस्तों वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों 10:09 हो चुके हैं, और भाजी ने हमें छोड़ लिया बस अड्डे पर, आप पकड़ते दिल्ली वाली बस, तो चलते हैं हम भी दिल्ली वाली बस की तरफ, वो स्पीड ये रहा सामने, ये अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, हम देहरादून उत्तराखंड, ये आप जा रहे हैं अंदर की तरफ, है देहरादून का बस स्टैंड अंदर का, पहली बार हम इसके अंदर घुस रहे हैं, देहरादून के लगे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी गली में, और सुबह के बच्चे के 5:15, देखो 15 मिनट में पहुँचा दिया ये ऑटो वाले ने यहाँ पर, ये शॉर्ट का रास्ता, अब चलते हैं घर पे। अब बहुत नींद आ गई थी दोस्तों, इसलिए वीडियो बन नहीं पाएगी, ऐसे नींद के झोंकों पर है, तब चलते हैं। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घर पे, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, सब तक के लिए बाय बाय।